ने नमः श्री गुरु चरण कमले हो नमः निजानंदस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैभवं चरित्रं पावनमेतद् याच लोके सुदुर्लभं पठनाश्रवणाच्च प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाद्रयम् निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनी धाम श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी वायजू राज के महाराजा छत्रसाल की गुरु जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के तीनों पूरी धाम के सर्व सुंदर साथ की मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार राज के चरणार बिंद राज के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद राज के चरणार बिंद राज के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद तो आधार राज 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 श्यामा के चरणार सतगुरु के चरणार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद श्री जी के चरणार बिंद श्री जी के चरणार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद श्री जी के चरणार बिंद श्री जी के चरणार बिंद मेरे तो आधार चरणार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद राज के चरणार बिंद राज के चरणार बिंद बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री धाम के धनी की जय परम आदरणीय परमहंस श्री 108 सदानंद जी महाराज जो ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति है और यहां त्रिदिवसीय कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत का आस्वादन करा रहे हैं
साथ में हमारे श्री दिव्यानंद जी महाराज और हमारे पुजारी श्री पवन कुमार जी, महाराज श्री राजदास जी और हमारे महंत प्रभु दयाल जी, संगीतकार पवन जी, विनय जी और यह कार्यक्रम श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, एक पवित्र तीर्थ, पावन तीर्थ, महान तीर्थ, अखंड तीर्थ, ऐसे इस पावन भूमि में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक बनने का, जजमान बनने का सौभाग्य मिला है श्री वेद प्रकाश जी सिंगल और अमित जी, रावल वासिया परिवार। तो ये परिवार बधाई का पात्र है कि आप लोगों ने पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में श्री कृष्ण प्रणामी मंगल भवन में इस कथा का आप लोगों ने आयोजन किया और यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव पर पधारे हुए समस्त सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी श्रद्धालु महानुभाव सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, घर में तो हम सदा दिन रहते हैं पर कभी कभी तीर्थों में रहने का मौका भी मिल जाता है। घर का आवास, घर का निवास, उससे बढ़कर तीर्थ का आवास और तीर्थ का निवास होता है, क्योंकि तीर्थ एक पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। यहां कदम रखते ही हम पवित्र हो जाते हैं, यहाँ की हवा से भी हम पवित्र हो जाते हैं, यहाँ के जल के स्नान करेंगे तो अति पवित्र हो जाएंगे, यहाँ आकर के मंदिर के दर्शन करेंगे तो साक्षात श्री प्राणीनाथ जी महाराज के दर्शन करने का, महारानी बाईजूराज का साक्षात राजसेवा के रूप में दर्शन करने का मौका मिलता है, और यहाँ परिक्रमा करेंगे तो सारे हमारे पाप, ताप, संताप सब के सब भूल जाएंगे, हम निष्पाप बनेंगे, निष्कलंक बनेंगे, निर्दोष बनेंगे, निर्मल बनेंगे। तो ऐसे पावन भूमि श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में जो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने जागनी यात्रा करते हुए, श्री जी ने अपनी यात्रा नौतनपुरी धाम से निकाली, जामनगर स्थित नौतनपुरी धाम सदगुरु धनश्री देवचंद जी महाराज ने झंडा फहरा करके मंदिर का निर्माण करा करके उस धाम की स्थापना की, जिसे हम नौतनपुरी धाम के रूप में आदर करते हैं, पूजते हैं और सदा स्मरण करते हैं। वहां से प्राणीनाथ जी महाराज ने अपनी जागनी यात्रा, प्रचार यात्रा प्रारंभ की, देश विदेश की यात्रा करते हुए, जन जन को धर्म की शिक्षा देते हुए, अध्यात्म की शिक्षा देते हुए, परिभ्रमण करते हुए श्री प्राणीनाथ जी महाराज सूरत आकर के पहुंचे। तो सूरत में उन्होंने और एक धाम की स्थापना की, जिसको श्री पांच मां मंगलपुरी धाम कहा जाता है। वहां से फिर प्राणीनाथ जी की यात्रा गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरिद्वार, उदयपुर, उज्जैन, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए पन्ना की ओर यात्रा लौटी, पैदल यात्रा। कैसा समय रहा होगा, आज के समय में कहीं गाड़ी से लंबी यात्रा करनी हो तो भी हम लोग घबरा जाते हैं, कितना समय लगेगा, तो गाड़ी से कह दिया जाए कि 15 से 20 घंटे, तो हम लोग बोलते हैं इतना हमसे बैठा नहीं जाता गाड़ी में,
ट्रेन से जाने में भी 15-20 घंटे लगेंगे तो हम घबरा जाते हैं, 15-20 घंटे ट्रेन में ही रहेंगे, पर उस समय के सुंदर साथ घबराए नहीं पैदल चलने में। तब तो कोई सवारी भी नहीं थी, सवारी यदि कुछ थी तो केवल घोड़े की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी, और कोई सवारी नहीं थी। साधन और सवारी के अभाव में भी प्राणनाथ जी महाराज ने कहा गुजरात के जामनगर नौतनपुरी धाम से यात्रा प्रारंभ कराई और सब जगह होते हुए पन्ना पद्मावतीपुरी धाम में वो यात्रा पहुंच जाती है और यहां आकर के महाराजा छत्रसाल को जगा करके उन्होंने तारतम मंत्र से अभिषिक्त करके प्राणनाथ जी ने इच्छा जाहिर की कि राजा छत्रसाल, मैंने भारत के उत्तरी भारत के सारे प्रांतों का परिभ्रमण किया पर यह पन्ना की भूमि मुझे भा गई, ये भारत के मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश में यह पन्ना की भूमि है, यहां से पूरे भारत में नेपाल में भूटान में विदेशों में भी धर्म का प्रचार हो सकता है, ये जागनी का केंद्र स्थल बन सकता है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहां पर एक धाम का निर्माण करो, मंदिर का निर्माण करो। प्राणनाथ जी का आदेश हुआ तो छत्रसाल जी ने कहा कि स्वामी जी आप ही जगह पसंद कीजिए ना, मेरे लिए तो ये बुंदेलखंड की सब भूमि अच्छी भूमि है, आप जहां कहिए झंडा आप फहराइए उसी भूमि में आपकी इच्छा अनुसार मंदिर बनकर तैयार होगा। प्राणनाथ जी ने कहा छत्रसाल झंडा मैं पहले ही फहरा चुका हूं, तुमसे मिलने से पहले मैंने झंडा फहरा दिया है उस भूमि में। कौन सी भूमि? जिस भूमि को साक्षात भगवान शिव ने भी वंदन किया है प्रणाम किया है। ऐसी कथा आती है कि भगवान शंकर विमान में चढ़ करके कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, उस विमान में साथ में देवी पार्वती भी बैठी हुई थी। विमान में जाते जाते शंकर भगवान ने विमान को उतार करके इस भूमि का वंदन किया, इस भूमि को प्रणाम किया तो देवी पार्वती पूछती है कि हे महादेव ये तो निर्जन भूमि है, बंजर भूमि है, यहां कोई मंदिर भी नहीं, देवालय भी नहीं, तीर्थ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप नमन किए जा रहे हैं, प्रणाम किए जा रहे हैं, क्या बात है? तो शिव जी ने कहा देवी पार्वती पद्मावती केन सरदे वृंदा पिष्टे विराजिता इंदिरा नाम सा देवी भविष्यन्ति कलौ युगे। का ये पद्मावती और केन नदी के बीच में ये जो किलकिला नदी है ना, इसका पौराणिक नाम है पद्मावती नदी। पद्मावती नदी और बगल में केन नदी बहती है, ये दो नदी के बीच में जो भूखंड है विंध्या पृष्ठे विराजित विंध्याचल पर्वत के पीठ पे ये स्थान विराजमान है। वहां पर कलयुग में इंदिरा नाम की देवी आएगी और एक धाम की स्थापना करेगी, एक पवित्र धाम पुण्य धाम, इसलिए मैं अभी से उस धाम को वंदन करता हूं, अभी से उस धाम को प्रणाम करता हूं। तो इंदिरा के रूप में इंद्रावती के रूप में महावती प्राणनाथ जी पधारे यहां और धाम की स्थापना हुई। गुम्मट बंगला बने हुए धनी जी को हीरन तखत धराय रतन जड़ित पद्मावती सोए देव सकल ललचाय अलि मोहे प्राणनाथ मन भाए अलि मोहे प्राणनाथ मन भाए। प्राणनाथ प्यारे ने इस पावन भूमि में छत्रसाल जी को आदेश दिया, गुम्मट और बंगला दो मंदिर बनकर के तैयार हुए। रत्न जड़ित इस पद्मावतीपुरी को देख करके देवता लोग भी ललचा जाते हैं, ऐसी ये पावन भूमि है। और विंध्याचल पर्वत के विषय में एक पौराणिक कथा आती है कि एक बार विंध्याचल पर्वत ने सोचा कि मैं इतना ऊंचा हो जाऊं
कि मेरे समान ऊंचा कोई पर्वत हो ही नहीं, मैं हिमालय से भी ऊंचा बन जाऊं, सुमेरु पर्वत से भी मैं ऊंचा बन जाऊं, मेरी ऊंचाई सबसे लंबी हो। इस तरह से विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई को बढ़ाने लगा। तो अगस्त्य मुनि ने देखा विंध्याचल अपनी ऊंचाई को बढ़ाता जाएगा तो अन्य पहाड़ों की, अन्य पर्वतों की महिमा कम हो जाएगी। इसलिए अगस्त्य मुनि इसी रास्ते से निकले तो विंध्याचल पर्वत ने उनको प्रणाम किया। मुनिवर आपको प्रणाम, आप मेरे गुरु हैं, गुरु के समान आपको आदर करते हुए मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। तो अगस्त्य मुनि ने उसको वरदान देते हुए कहा कि तुम प्रणाम करते ही रहो, अभी उठो मत, मैं दक्षिण भारत को जा रहा हूं, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तुम प्रणाम करते ही रहना। तो विंध्याचल पर्वत ने प्रणाम किया, सो करते ही रहा। अगस्त्य मुनि इस रास्ते से लौट करके नहीं आए तो विंध्याचल की स्थिति प्रणाम करने की स्थिति हो गई। देखिए, इसलिए विंध्याचल पर्वत प्रणाम करते हुए हम लोग जैसे झुकते हैं ना, ऐसे ही ये पर्वत भी झुका हुआ है। जहां विंध्याचल पर्वत ने प्रणाम किया और वही प्रणामी धर्म का विख्यात मंदिर, विख्यात धाम स्थापित हुआ। इसलिए ये पर्वत भी महान है, ये भूमि भी महान है, ये तीर्थ भी महान है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने पहले से झंडा फहरा रखा था, छत्रसाल तो मऊ में मिले तो प्राणीनाथ जी महाराज ने कहा कि जहां मैंने झंडा फहराया है मेरे लिए वही धाम के लिए योग्य भूमि है, उसी चबूतरे में धाम का निर्माण कराओ। प्राणीनाथ जी का आदेश ही मिलना था कि छत्रसाल महाराज ने पहले बंगला मंदिर बना करके तैयार किया जहां प्राणीनाथ जी महाराज विराजमान हुए। बाद में उन्होंने गुम्मट जी मंदिर भी प्राणीनाथ जी के इच्छा के अनुरूप ही बनाया। तो दोनों मंदिर चबूतरे के ऊपर है, ये धाम के रूप में सुशोभित है, ये अखंड धाम है, सदा सुखदायी धाम है, सदा सेवनीय धाम है, सदा पुण्य अर्जन करने वाले, पुण्य प्रदान करने वाले धाम है, जहां श्री प्राणीनाथ जी महाराज 11 साल तक विराजमान रहे। देखिए, प्राणीनाथ जी जब से नौतनपुरी धाम से चले ना, एक ही जगह 11 साल कहीं भी नहीं रहे थे। सूरत में भी 17 महीने रहे, देखिए ना, सूरत में 16 महीने रहे और दिल्ली में 17 महीने रहे, आप देखिए। पर पन्ना धाम में आकर के श्री प्राणीनाथ जी महाराज 11 साल तक रहे हैं और 11 साल में उन्होंने जागनी रास की लीला भी दिखाई और वाणी के अधिकांश ग्रंथों का अवतरण भी यही हुआ। खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, ये बड़े बड़े ग्रंथ, ज्ञान से परिपूरित ग्रंथ, परम धाम की महिमा से मंडित ग्रंथ, मूल मिलावे के संवाद से भरपूर ग्रंथ, 25 पक्ष का विशद वर्णन का ऐसा परिक्रमा जैसे ग्रंथ, सागर और श्रृंगार जैसे दिव्य ग्रंथ जहां राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन मिलता है, ऐसे ग्रंथों का अवतरण बंगलाजी मंदिर में प्राणीनाथ जी जब विराजते थे और सुबह 9 से 12 बजे तक, रात को भी 9 से 12 बजे तक जब चर्चा करते थे, उस समय ये चौपाइयां उतरी है जो उनके शिष्यों ने लिख लिख करके तैयार किया, ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए, आजकल हम लोग एक घंटा माइक में बोलते हैं ना तो थक जाते हैं। प्राणीनाथ जी महाराज 3-3 घंटे दोनों समय, प्रातः 9 से 12 बजे और रात्रि को भी 9 से 12 बजे कैसे बंगला मंदिर में चर्चा करते रहे होंगे, वाणी सुनाते रहे होंगे, वाणी समझाते रहे होंगे, क्योंकि उस समय के सुंदर साथ को तो एक आवाज ही काफी थी ना। आजकल के जैसे बहरे सुंदर साथ तो थे नहीं कि बार बार सुनाते रहो फिर भी भूल जाते हैं, फिर भी विस्मृति होती है, कान के अंदर कुछ बात अमृत वाणी जाती ही नहीं है। उस समय के सुंदर साथ कान के पक्के थे, श्रवण के पक्के थे, एक आवाज श्री जी महाराज के कान में आई ना, जागो, जगाओ, जुगत सो, छोड़ो नींद विकार,
पहचान कराऊं, पीयूषों सफल करूं अवतार। अगर एक चौपाई उनके कानों में गूंजे तो जागृत होकर के सेवा में तत्पर हो जाते थे और सत्संग में भी तत्पर होकर के बैठ जाते थे। ऐसे जागृत सुंदर साथ श्री जी के साथ चलते थे। तो श्री तारतम वाणी की थोड़ी सी बात आज रखी जाएगी, क्योंकि आज 5:30 बजे से खिजड़ा मंदिर से शोभा यात्रा निकलने वाली है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा के अवसर पर 13 के दिन आज के दिन खिजड़ा मंदिर से सवारी निकल करके बंगलाजी मंदिर तक धाम चबूतरे तक आती है। 5:30 बजे निकलेगी और रात को करीब 2 बजे तक वो सवारी लौट करके आती है। गाते बजाते नाचते कूदते उछरंग और उत्सव मनाते हुए शोभा यात्रा को महान से महान बनाया जाता है। उस कार्यक्रम में भी आप सबको सम्मिलित होने के लिए जाना है। पूज्य महाराज जी और हम लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। तो वाणी के महात्म्य के विषय में एक दो चौपाई मैं राखूंगा कि श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी के विषय में कहते हैं कि इस वाणी का एक नाम श्रीमुख वाणी है ना, श्री जी के श्रीमुख से प्रकट वाणी है, इसीलिए कहते हैं। तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़ना अपना साथ, माया मिने आई सृष्टि ब्रह्मा सब बुलावन आए हम। श्रीमुख वाणी का अवतरण क्यों हुआ? माया में ब्रह्म सृष्टि आई परम धाम से खेल मांग करके उनको फिर परम धाम की ओर जगाने के लिए श्रीमुख वाणी का अवतरण हुआ है। हमें बुलाने के लिए ये वाणी हमें परम धाम की ओर बुला रही है। फिर इसको प्राणनाथ वाणी भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि श्री मामद कहे सुनो साथ, देखो वाणी खोल प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, दिन से न्यारे न होए चरन्ना। इस चौपाई में प्राणनाथ वाणी शब्द का उच्चारण हुआ है। देखो खोल वाणी प्राणनाथ, प्राणनाथ जी की वाणी को खोल करके देखो। धाम धनी परम साम धाम से वचन लेकर के आए हैं, इन वचनों का श्रवण मनन निधिध्यास करेंगे तो धनी के चरणों से हम जुदा होंगे ही नहीं, धनी के चरणों में ही बने रहेंगे, ये ऐसी वाणी है। फिर इसको तारतम सागर तारतम वाणी भी कहा जाता है। तारतम रस वाणी करा पिलाइए जाको, झेर चढ़ा होए भोम का सुख होवे ताको। तारतम वाणी का रस यदि किसी को पिला दिया जाए तो माया का झेर जिनको चढ़ाए वो उतर जाएगा, जन्म मरण का झेर उतर जाएगा, भौतिक बात का झेर उतर जाएगा, उसके जीवन में आध्यात्मिक बात आध्यात्मिक प्रकाश उसके जीवन में छा जाएगी। ऐसे दिव्य वाणी है, हृदय को प्रकाशित करने वाली वाणी है। तो इस वाणी को स्वसम वेद भी कहा, वेद हमारो स्वस्म है, तीर्थ यमुना जो है, इसको स्वसम वाणी भी कहा है, क्योंकि ये चार वेद है, चार वेद से परे पंचम वेद है, इसलिए इसको स्वसम वेद भी कहा जाता है। यह दिव्य वाणी अखंड वाणी अनेक नामों से मंडित महिमा मंडित वाणी, नाम अनेक है परंतु वाणी एक है, ऐसी है दिव्य वाणी। और इस वाणी के प्रशंसा करते हुए मैंने भी 4 लाइन बनाई है। तारक है ग्रंथ यह राज रसिक गुणगान, तम अंधकार छुड़ाए के मोक्ष दिए निर्वाण। यह तारतम वाणी है, यह तारक ग्रंथ है, तारने वाला ग्रंथ है, श्री राज रसिक के गुणगान इसमें गाया गया है। और तम अंधकार छुड़ाए के, संसार के तम और अंधकार को छुड़ा करके मोक्ष दिए निर्वाण, परम धाम का मोक्ष, परम धाम में जागृति कराने वाली ये दिव्य वाणी है। ऐसी वाणी का रसस्वादन जैसे भी मुझे पता चला है कि पूज्य महाराज जी आज तो अभी एक ही सत्र में कथा होगी, कल प्रातः भी और दिन में भी 2 बार होगी, तो दोनों कथाओं में मैं आप सबके साथ हूँ। महाराज जी के साथ साथ तो हम लोग दिल्ली में भी रहे, फिर उसके बाद अभी बद्रीनाथ में भी महाराज जी के साथ साथ थे, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में भी साथ साथ रहने का मौका मिला। ये आप सब सुंदर साथ के प्रेम और सद्भावना का ही प्रतिफल है। तो मैं अभी ज्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी चर्चा को विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, प्रणाम।